मूवी के भी शुरू में हमें एबी के बारे में बताया जाता है। एबी कहीं पर जाने के लिए रेडी हो रही होती है, उसने अपने अंदर कहीं राज छुपाए हुए थे और उसके अंदर एक सीक्रेट यही था जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वो बेवफा मर्दों का शिकार करती थी। एबी एक डिस्को में जाती है और आज रात को वो यहीं पर अपना शिकार ढूंढने वाली थी। उसी बार में एक आदमी अपनी वेडिंग रिंग उठाकर एबी से फ्लर्ट करने लग जाता है और एबी को वो रिंग भी मिल जाती है, लेकिन फिर भी वो उस आदमी को सीड्यूस करके अपने साथ टेरिस पर ले जाती है। इस आदमी के बच्चे भी थे और इसकी एक पूरी हैप्पी फैमिली भी थी, लेकिन फिर भी वो अपनी फैमिली को चीट करने से खुद को नहीं रोक पाता। एबी उसे लेयर देने लगी थी, लेकिन अचानक से उसका प्राइवेट पार्ट काट कर उसे बिल्डिंग से नीचे गिरा देती है। ऊपर से गिरने पर उस आदमी के शरीर में लोहे की एक रोड आर पार हो जाती है, जिससे कि वो वहीं पर मार गया था। अब ये सब काम तो एबी रात में करती थी, लेकिन दिन में वो एक नर्स थी और उसे बेस्ट नर्स ऑफ द मंथ का टाइटल भी मिला हुआ था, मतलब कि वो अपने पिछले साल में बहुत ही अच्छी थी। एबी जो है वो एक ऑल सेंट नाम के हॉस्पिटल में काम करती थी, लेकिन वहाँ भी कुछ ऐसे मर्द थे जो कि लड़कियों के ऊपर बुरी नज़र रखते थे। एबी की उस हॉस्पिटल में एक फीमेल क्रश थी जिसका नाम डैनी था, क्योंकि एबी एक बाइसेक्सुअल थी। एबी को अगर हॉस्पिटल में भी कोई मर्द दिखे जो कि किसी लड़की को धोखा दे रहा था, वो उनको भी मार देती है। और उसी तरह से उसने एक आदमी को जहर का इंजेक्शन देकर मार दिया था और साथ में वो उसके साथ इंटीमेट भी हो रही थी। कुछ दिन के बाद में हमें डॉक्टर रॉबर्ट डैनी को नर्स ऑफ द ईयर का टाइटल देते हैं और डैनी के पेरेंट्स इससे बहुत खुश थे। वहाँ पर एबी भी उन लोगों को मिलती हैं और वो डैनी को कॉन्ग्रेचुलेट करती है। डैनी एबी को अपने बॉयफ्रेंड स्टीव से मिलाती है और इस बात से एबी अंदर ही अंदर गुस्सा होती है, पर वो उसे किसी के सामने नहीं दिखाती और वहाँ से चली जाती है। अब एक दिन डैनी और स्टीव हॉस्पिटल में ही इंटीमेट हो रहे थे और इंटीमेट होते समय स्टीव डैनी से शादी की बात करता है। फिर डैनी जो है वो अभी शादी नहीं करना चाहती थी और उसी टाइम वहाँ पे रजाइना नाम की एक नर्स आती है। उसे देखकर डैनी और स्टीव अपने कपड़े पहनने लगते हैं। तभी हॉस्पिटल में एक्सीडेंट हुए कुछ पेशेंट आते हैं और डैनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, और उसे इस हालत में देखकर डॉक्टर रॉबर्ट उस पर गुस्सा करते हैं, जिससे कि डैनी रो देती है। उसे रोता देख कर एबी को बहुत बुरा लगता है और डैनी जब नहाने जाती है तो एबी उसे कम्फर्ट देने के लिए उसके पास आने का सोचती है, लेकिन तभी स्टीव का कॉल आता है और डैनी उससे बात करते करते उससे झगड़ा करने लगती है। डैनी जब रो रही थी तो एबी वहाँ पर कपड़े चेंज आ रहे थे। डैनी हॉस्पिटल में एक्सीडेंट हो गए लोगों को देख कर डर गई थी और कुछ मदद नहीं कर पाई थी। एबी उसे अगली बार के लिए अच्छा करने का कहती है और ये भी कहती है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, जो कुछ भी उसके साथ में हुआ वो किसी के भी साथ में हो सकता है। एबी डैनी को घर छोड़ने जाती है और तभी डैनी को नज़र आता है कि उसके स्टेप फादर लैरी एक दूसरी लड़की के साथ में है। डैनी अपने फादर के पास जाकर लड़की के बारे में पूछते हैं कि क्या वो उसकी माँ को धोखा दे रहा है, और उसके बाप उस किसी भी बात का जवाब दिए बगैर वहाँ से चला जाता है और डैनी वहाँ पर खड़ी हक्की बक्की रह जाती है। वो ये सब नहीं समझ पा रही थी कि वो कैसे अपनी माँ को बताएगी ये सब। उसके बाद एबी डैनी को डिस्को लेकर जाती है ताकि उसकी टेंशन दूर कर सके। फिर वो दोनों बहुत ड्रिंक करते हैं और डांस करते हैं, वो इन्जॉय कर रहे होते हैं और बहुत सारे फ़ोटोज लेते हैं। एबी फिर डैनी के करीब आने की कोशिश कर रही थी बार बार, फिर जब डैनी बहुत ज़्यादा नशे में आ जाती है एबी उसे किस करने लगती है और किस करते हुए भी वो फ़ोटोज़ लेती है उन दोनों की। फिर एबी एक आदमी को डैनी को किस करने को देखती है और फिर वो उनकी फ़ोटोज़ लेती है और वो डैनी की वो हर जगह टच कर रहा था और डैनी नशे में उस आदमी के साथ में इंटीमेट हो गई थी और एबी ने ये सारी फ़ोटोज़ भी ले ली थी। सुबह जब डैनी उठती है तो एबी उसके पास में बिना कपड़ों के सो रही थी और डैनी को पिछली रात के बारे में कुछ भी याद नहीं रहा था। एबी अभी भी डैनी के पास आने की कोशिश कर रही थी और डैनी को अपना इनरवेयर नहीं मिल रहा था और एबी उसको वो दे देती है। और फिर डैनी को ये बहुत अजीब लग रहा था कि एबी को उसके इनरवेयर के बारे में क्या कैसे पता है। फिर डैनी एबी को स्टीव के बारे में पूछती है कि क्या उसने उसे कॉल किया था, तो एबी बोलती है कि हाँ उसने डैनी मेरे को स्टीव को कोशिश किया था। और डैनी यहाँ पर बहुत कोशिश करती है कि उसे वो सब याद आ सके कि पिछली रात को क्या हुआ था। वो एबी से कुछ कपड़े मांगती है और कल रात जो कुछ भी हुआ उसे भूलने को कहकर वहाँ से चली जाती है। एबी का एक पड़ोसी जेरेड था जो कि एबी को बहुत पसंद करता था, लेकिन एबी सारे मर्दों को एक जैसा पसंद समझती थी। जेरेड एबी की बहुत केयर करता था। डैनी एबी अपनी मेंटल हेल्थ का बहाना लेकर डैनी के स्टेप फादर लैरी के पास जाती है। लैरी एक साइंटिस्ट था और वो भी उन्हीं मर्दों में से था जो कि अपनी वाइफ को चीट करते हैं। लैरी एबी से उसकी प्रॉब्लम के बारे में पूछते हैं।
फिर एबी उन्हें बताती है कि वो मर्दों के साथ एडिक्टेड हैं, और ये बताती है कि वो बचपन में भी अपनी माँ के साथ अपने फादर से उनके ऑफिस में कभी कभी मिलने जाती थी। आज वो जैसी भी है अपने पिता की वजह से है। लेकिन एबी ये पूरी बात नहीं बताती है और उसे सेक्स एडिक्शन प्रोग्राम को ज्वाइन करने में देता है और उसे रेगुलर अपने पास आने में के लिए कहता है और साथ उसे अपना पर्सनल नंबर भी देता है। फिर जब जाने लगती हैं, जाते जाते है, वो लैरी को एक सेक्सुअली हिंट देकर जाती है और लैरी भी उसके इशारों को समझ गया था। अगले दिन डैनी हॉस्पिटल जाती है और वहाँ पर किसी ने डैनी के लिए कुछ भेजा था। फिर डॉक्टर रॉबर्ट एक पेशेंट की हालत डैनी एबी और कुछ नर्सों को समझाते हैं और जाते हुए डैनी के बट पर हाथ लगा के जाते हैं और इस बात से डैनी को काफ़ी अनकम्फर्टेबल फील होता है। एबी को भी ये सब बर्दाश्त नहीं होता कि कोई और डैनी के शरीर को छुए और एबी डैनी को एक पैरालिसिस करने वाला इंजेक्शन लाने को बोलती है। और डैनी जब वो इंजेक्शन लेने को जाती है तो वहाँ भी डॉक्टर रॉबर्ट आकर उसको पीछे से छूता है बहुत बुरे तरीके से, पर डैनी अभी भी उसे कुछ नहीं कहती और रजिस्टर में अपना साइन करके वो इंजेक्शन लेकर चली जाती है। जब डैनी ना रही थी तो एबी स्टीव का किया हुआ गिफ्ट तोड़ देती है जो कि उसने डैनी को दिया था और फिर कहती है कि जो कि उससे गलती से टूट गया था। और एबी डैनी से स्टीव के बारे में पूछती है कि क्या वो अच्छा लड़का है कि नहीं। और स्टीव ने डैनी का बहुत साथ दिया था जब उसके फादर की डेथ हो गई थी। और फिर एबी भी उसे अपने फादर के बारे में बताती है और ये बताती है कि जब वो 8 साल की थी तो उसके फादर की डेथ हो गई थी। जो है डैनी को अपने घर की चाबी देती है कि जब भी वो अकेला महसूस करे तो वहाँ पर आ जाए। और ये सब सोच के कि डैनी भी बहुत खुश होती है और एबी को अपनी अच्छी दोस्त समझ लेती है। उसी रात एबी जो है वो लैरी से मिलती है और एबी इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी कि एबी को देख कर लैरी के होश उड़ गए थे। और फिर वो दोनों एक सुनसान जगह पर जाते हैं, वहाँ पर इंटीमेट होने की कोशिश कर लेते हैं। लैरी उसे टच कर रहा था तब कि एबी वहाँ पर उसके हाथ बांधती है और एक इंजेक्शन उसके गले में मारती है जिससे कि तुरंत लैरी पैरालाइज हो गया था। ये वही इंजेक्शन था जिसे डैनी ने खुद का साइन करके हॉस्पिटल से लिया था, जिसे एबी ने चुरा लिया था ताकि अगर पुलिस को पता लगे तो इल्ज़ाम डैनी पर आए। लैरी को एबी की हर बात सुनाई दे रही थी पर वो कुछ नहीं कर पा रहा था। और फिर वो लैरी के कार को चलता हुआ छोड़कर उतर जाती है। लैरी पैरालाइज है तो कार नहीं रोक पाता है, वो कार एक ट्रक से टकरा जाती है जिससे लैरी के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। और एबी दूर से ये सारा नज़ारा देख रही थी। एबी जब अपने घर पर आती है तो वहाँ पर पहले से ही डैनी सो रही थी, जिसके पास आकर उसे हग करती है। और डैनी को अपनी माँ की फिक्र हो रही थी क्योंकि लैरी की मौत के बाद में उसकी माँ अकेली पड़ गई थी। डैनी इसी के साथ शादी करके उसके रहने के बारे में एबी को बताती है और एबी ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और बताती है कि वो भी उसकी केयर करती है और उससे प्यार करती है, लेकिन फिर भी वो उसके प्यार को कुछ नहीं समझती है। एबी के जी बिहेवियर को देख कर वो वहाँ से उठकर अपने घर जाने वाली थी और तभी उसे पकड़ कर एबी कहती है कि मेरे जैसा तुम्हें कोई प्यार नहीं कर सकता है और ना ही तुम्हें मेरे जितना कोई समझ सकता है। और ये भी कहती है कि जब लैरी कार में मारा गया था तो उसके और ज़्यादा टुकड़े होने चाहिए थे। ये सब सुनकर डैनी परेशान हो जाती है कि डैनी ने तो कभी नहीं उसे बताया था कि लैरी की मौत कार एक्सीडेंट में हुई। और वो फिर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन लैरी का फ्यूनरल था तो वहाँ पर देखती है कि एबी डॉक्टर रोगन से कुछ बातें कर रही थी हैं। और फिर डॉक्टर रोगन डैनी और स्टीव के पास आते हैं और उनसे पूछताछ कर रहे होते हैं। और एबी दूर से डैनी को देख रही थी तो डैनी उसके पास जाती है और फिर पूछती है कि उसने पुलिस से क्या बात की थी। तो एबी बताती है कि वो लैरी की पेशेंट थी और वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। ये सब सुनकर डैनी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाती है। डैनी जब हॉस्पिटल में कंप्यूटर पर काम कर रही थी तो उसके पास वही सारी पिक्चर्स आने लगी थी जो कि डैनी ने एबी को किस करते हुए ली थी और एक अनजान आदमी के साथ जब वो इंटीमेट हुई थी। और ये सब फोटोज देखकर वो डर गई थी और सभी फ़ोटोज़ को डिलीट करके वहाँ से चली जाती है। उसी दिन हॉस्पिटल में एक और नई एचआर आती है जिसका नाम रेचल था। रेचल एबी से मिलकर कहती है कि बचपन में उसकी एक पड़ोसन थी जिसका नाम सारा था और सारा बिल्कुल एबी की तरह दिखती थी। और ये सब बात डैनी भी सुन लेती है तो उसे पता लगता है कि एबी में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। रात को जब रेचल अपना काम खत्म करके घर जाने वाली थी तो उसे नजर आता कि डॉक्टर रॉबर्ट अपने कैबिन में किसी नर्स के साथ इंटीमेट हो रहा है। तभी वहाँ पर एबी आकर रेचल को अपने साथ घूमने को इनवाइट करती है और रेचल भी खुशी से इस बात को मान लेती है। उसके बाद डैनी जो है उसको एबी की कॉल आती है और वो उसे पार्टी के लिए इन्वाइट करती है, लेकिन वो उसे मना कर देती है क्योंकि उसको स्टीव के साथ डिनर पर जाना था। और डैनी को ऐसा लगता है कि एबी उस पर नज़र रखती है और वो कार लेकर वहाँ से निकल जाती है। डैनी जब स्टीव के घर जाती है तो स्टीव के कंप्यूटर पर एक मैसेज आता है। उस मैसेज को खोल के देखती है तो वहाँ पर भी वही फ़ोटोज़ आए हुए थे डैनी के,
जिसमें वो एबी किस कर रही थी और किसी के साथ इंटीमेट हुई थी। स्टीव उन पिक्चर्स को देखने ही वाला था कि डैनी उसका ध्यान बटाकर और उन सबको डिलीट कर लेती है, और इतनी ज़्यादा टेंशन में थी उसके मुँह से एबी के बारे में निकल जाना रहता है। और स्टीव को कुछ काम था, वो डैनी को बाय बोलकर ये सब टेंशन छोड़ने को कह देता है और वहाँ से चला जाता है। अब रात को डैनी वहाँ पर सो रही थी, तभी वहाँ पर किसी का वीडियो कॉल आता है, तो कॉल पर रिचल थी और वो एबी के घर में पार्टी कर रही थी। वो बहुत ही ज़्यादा नशे में थी, और तभी डैनी देखती है कि पीछे से एबी आकर रेचल को इंजेक्शन लगाने वाली है। डैनी रेचल को पीछे देखने का बोलती है, पर रेचल को किसी बात का होश नहीं था और वहाँ तभी फ़ोन कट जाता है। डैनी पुलिस को भी कॉल करके वहाँ पर मदद भेजने को बोलती है, पर पुलिस इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। उसके बाद फिर कॉल आती है, तो देखती है कि रेचल बेहोश एबी के घर पर पड़ी है और वहाँ पर उसे वो एक कॉल दिखा रही होती है। फिर डैनी जो है पुलिस को रिपोर्ट करती है, बट एबी उल्टा पुलिस उसे एबी डैनी को बेवकूफ़ बना कर उसे वहाँ पर फंसा देती है। और डिटेक्टिव रोगन उसको ही गुस्सा कर रहे थे, पर इसकी वजह ये थी क्योंकि एबी जो है वो डिटेक्टिव रोगन के साथ भी इंटीमेट हो चुकी थी और उसने डिटेक्टिव रोगन को भी फंसा लिया हुआ था और वो उसकी कोई बात नहीं सुनते हैं, और इसीलिए पुलिस उल्टा उस पर इल्ज़ाम कर देते हैं कि वो एबी के घर पे बिना परमिशन के घुसती है। और एबी ने पुलिस को वो वाली तस्वीरें भी दिखा दी थी जिसमें एबी और डैनी किस कर रहे होते हैं। ये देख के स्टीव बहुत गुस्सा होता है और डैनी कहती है कि एबी ने उसके स्टेप फादर लैरी को भी मारा है, जिस पर पुलिस उसे बताती है कि जिस इंजेक्शन से लैरी को पैरालाइज किया गया था वो डैनी ने ही साइन करके लिया था। इस तरह से डैनी जो है वो हर जगह से फंस जाती है, और बाहर आने पर स्टीव डैनी से बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। हॉस्पिटल में भी देखती है कि डैनी डॉक्टर रॉबर्ट से कुछ बातें कर रही थी, और उसे देखकर डॉक्टर रॉबर्ट उस कैबिन का डोर बंद कर देता है। इधर रेचल को भी एबी पर शक होने लगा था और वो सारा की फ़ोटो को इंटरनेट पर देखने ही वाली थी, उसी टाइम एबी आकर उसे मार देती है। उसी दिन डैनी एबी के बारे में पता लगाने के लिए मेंटल हॉस्पिटल जाती है, और वहाँ से उसे पता चलता है कि एबी जब 8 साल की थी तो उसे पता चलता है कि उसके फादर उसकी माँ को धोखा दे रहे हैं और उसके अफेयर किसी लड़की के साथ में था। तब एबी ने अपने फादर का गला काट कर उसे मार दिया था। उसके बाद एबी को मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया था। एबी का असल नाम एबी नहीं बल्कि सारा था, और उसके बाद में सारा कहीं अचानक से गायब हो गई थी। एबी के यही सारे राज डैनी रॉबर्ट को उस टाइम बता रही थी, और डॉक्टर रॉबर्ट एबी को नौकरी से निकालने की सोचते हैं, पर एबी डॉक्टर रॉबर्ट को सीड्यूस करके अकेले में मिलने पर बुलाती है। मौका मिलते ही डॉक्टर रॉबर्ट एबी के पीछे जाते हैं और एबी उन्हें सीड्यूस करके एक रूम में लेके जाती है और बेहोश कर देती है। पर जब उन्हें होश आता है तो वो खुद को एक बेड पर बंधा हुआ पाते हैं और उनका मुँह भी बंधा हुआ था ताकि वो चला ना पाए। फिर डॉक्टर रॉबर्ट के सामने कपड़े उतारती है और एक सर्जिकल ब्लेड लेकर उनके सीने में काट कर पिग यानी कि सुअर वर्ड लिखती है। फिर वो डॉक्टर रॉबर्ट का प्राइवेट पार्ट काटने ही वाली थी कि तभी डॉक्टर रॉबर्ट मना करते हैं, और तभी एक कटर से उनका हाथ काट कर अलग करती है। डॉक्टर रॉबर्ट दर्द से चिल्ला रहे थे, पर एबी को ये सब करने में बहुत मज़ा आ रहा था। इन्हीं को पता था कि रेचल की जान भी खतरे में हो सकती है, तो हॉस्पिटल में कॉल करके डैनी को रेचल को रोकने को कहती है। डैनी रेचल को जब कॉल लगाती है तो उसका फ़ोन अपने ही गाड़ी में सुनाई देता है, पर डैनी एबी को कॉल करती है। उस टाइम एबी डिटेक्टिव रोगन के साथ इंटीमेट हो रही थी, और इसी वजह से उसे पता चलता है कि वो डैनी की बातों को डिटेक्टिव जो है क्यों इग्नोर कर रहा था। उसे सारी बात समझ में आ जाती है, और फिर वो स्टीव को भी कॉल करती है और ध्यान के रखने को कहती है। स्टीव उस समय हॉस्पिटल में था और वहाँ पे एबी भी उस लिफ्ट में आ गई थी। डैनी ने डिटेक्टिव रोगन को एबी के बारे में कॉल करके सब कुछ बता दिया था, और फिर वो सीन आता है कि जहाँ पे वो हॉस्पिटल में एक दूसरे को मिलते हैं और वो स्टीव के बारे में पूछती है, लेकिन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। रेजाना उनके घर झगड़े को रोकने के लिए आती है, पर एबी उसे ही मारकर बेहोश कर देती है। फिर दोनों के बीच में बहुत लड़ाई होती है, दोनों कांच पर गिर कर बहुत ज़्यादा घायल हो चुके थे। डैनी फिर किसी तरह से वहाँ से भागती है और वो स्टीव को ढूंढने के लिए जाती है। एबी हॉस्पिटल के स्टाफ को बताती है कि डैनी ने उस पर हमला किया है। वो आदमी पुलिस को कॉल करने वाला था, पर एबी उसे इलेक्ट्रिक चौक देती है और फिर मार डालती है। हॉस्पिटल में पुलिस भी आ गई थी और एक पुलिस डैनी को संभाल ही रही थी कि तभी एबी पीछे से आकर पुलिस को कैंची के जरिए मार देती है। तो तब वो डैनी को मारने के लिए आगे बढ़ रही थी कि और डैनी उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, पर
एबी उसे पीट कर कैंची से काट देती है। तभी एक और पुलिस ऑफिसर आकर एबी को रोकता है और एबी उसकी आँख में भी कैंची घुसा कर उसे भी मार देती है। डैनी फिर से स्टीव को बचाने के लिए भागती है पर एबी फिर से डैनी को मारने के लिए आती है और इस पर दोनों के बीच में बहुत लड़ाई होती है। डैनी एबी को मार रही थी कि तभी स्टीव आकर डैनी को रोकता है और वो स्टीव को सब कुछ समझा ही रही थी कि इतने में एबी वहाँ से निकल जाती है और एक गैस सिलेंडर ऑन कर देती है और उस रूम का डोर बंद करके एक के बाद एक पेशेंट्स को मारने काटने लगती है। वो दरवाज़ा बंद था तो डैनी और स्टीव अंदर नहीं आ पा रहे थे और स्टीव उस दरवाजे का कांच तोड़ के अंदर आता है और तब तक सारे पेशेंट मर चुके हुए थे। और फिर वो दोनों एक पेशेंट के पास आते हैं लेकिन वो पेशेंट और कोई नहीं, असल में एबी थी जो कि स्टीव के गले में कैंची घुसा कर उसको मार देती है और फिर वहाँ से भाग जाती है। तुम देखने के एबी अपना सामान लेकर भागने वाली थी कि तभी वहाँ पर डिटेक्टिव रोगन उसे पकड़ने के लिए आता है। जेरेड को देख कर वो ऐसा नाटक करती है कि डिटेक्टिव उसे मारने वाला है और जेरेड पीछे से आकर डिटेक्टिव रोगन को ही मार डालता है और एबी के प्यार के नाटक ने जेरेड को ही पुलिस के मर्डर में फंसा दिया। फिर कुछ दिन के बाद में एबी रेचल का नाम लेकर और उसी तरह भी हो करके दूसरे हॉस्पिटल में काम करने लगती है और पकड़ी नहीं जाती है। दोस्तों ये कहानी एक एबी नाम की साइको नर्स की है। इसके साथ में बचपन में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि वो थोड़ी साइको हो गई। उसका असली नाम सारा था जिससे उसे एबी में बदल लिया। एबी चीट करने वाले मर्दों को मारती थी और उन्हें मारने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी।